नेपोलियन हिल का बहुत ही सुंदर एक विचार है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उस चीज़ को प्राप्त भी कर सकता है, अचीव भी कर सकता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो अपनी जो रचनात्मक कल्पना शक्ति है उसे आप बढ़ाएं। पहले आपको अपने माइंड में उस चीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा, अपने माइंड में उस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस चीज़ को गेन भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, बिलीव इट देन अचीव इट। जब तक आप भरोसा नहीं कर सकते तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो नेपोलियन हिल कह रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच अपनी एक बुक में कि जिस चीज़ की हमारा मस्तिष्क कल्पना कर लेता है उसके बाद में उसका विश्वास भी कर लेता है। कल्पना मतलब क्या कि अगर आप कुछ भी चीज़ को कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो ऐसे कहें कि वो अभी आपको मिल चुकी है। कि मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर लेता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। पूरी बुक इसी बात पे है, सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप एक बार उसे ज़रूर पढ़ें और उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो ज़िंदगी में बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी मदद करने वाली है। वो बुक ऐसे इस तरह से उस पर सेट, मतलब बहुत साल, काफ़ी साल रिसर्च किया नेपोलियन हिल ने, और नेपोलियन हिल ने वो जो बुक लिखी वो लिखी एंड्रयू कार्नेगी की प्रेरणा के द्वारा। एंड्रयू कार्नेगी का वो भी एक विचार था जो उन्होंने नेपोलियन हिल के लिए दिया, और नेपोलियन हिल ने 25 साल लगातार मेहनत के बाद उस बुक को लिखा। लिखने में तो उसे केवल 1 से 2 महीने ही लगे, मगर उन्होंने रिसर्च जो की, वो लगभग 25 साल की रिसर्च के बाद सैकड़ों अरबपतियों, सैकड़ों जो अमीर व्यक्ति थे, हज़ारों लोग, उनकी रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया कि लोग कैसे सोच के अमीर बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है, उसे अचीव भी कर सकता है, उसे गेन भी कर सकता है।